press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोदी की पत्नी जसोदा बेन एक्सीडेंट में हुई घायल, एक रिश्तेदार ने गंवाई जान, ट्रक से भिड़ी इनोवा। दो सौ कर्मचारियों पर एसीबी ने कसा शिकंजा, आहूजा के सवाल पर कटारिया ने दिया ब्यौरा, वहीं एसपी के रवैये पर भी उठाए सवाल। ऑटो एक्सपो में सामने आई गाड़ियों की चकाचौंध, नए मॉडलों ने लुभाया, स्मार्ट स्कूटर्स भी हुए लॉन्च। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन उस वक्त बाल बाल बच गई जब उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। इस घटना में जसोदा बेन समेत तीन लोग घायल हो गए, जबकि उनके एक रिश्तेदार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि जसोदा बेन की कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर बेंगू के पास काटुंडा मोड़ पर हुई। जैसे ही यह हादसा हुआ, यहां मौजूद लोगों ने कार में से घायलों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जसोदा बेन समेत सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद जसोदा बेन की हालत में सुधार है। जानकारी के मुताबिक जसोदा बेन राजस्थान के बारा जिले के अटरू में एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। शादी में शामिल होने के बाद सुबह वे अपनी कार इनोवा से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। कार में उनके रिश्तेदार समेत करीब आधा दर्जन लोग सवार थे। इस हादसे में जसोदा बेन के रिश्तेदार बसंत भाई की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा कार ट्रक के बीच भिड़ंत हो जाने की वजह से हुआ। तेज रफ्तार से आ रही जसोदा बेन की कार पीछे से ट्रक से जा टकराई, इसी के चलते कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। यह भी सामने आया है कि जिस कार में जसोदा बेन सवार थी, उस कार के आगे के हिस्से में बुल गार्ड लगा हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस बुल गार्ड की वजह से इनोवा कार का एयर बैग नहीं खुला, जिस वजह से कार में आगे बैठे गार्ड की मौत हो गई। भारतीय हाईवे और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए कार और एसयूवी में क्रैश या बुल गार्ड लगाने को बैन किया था। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया था, लेकिन इसकी पालना नहीं हो पा रही। वसुंधरा राजे सरकार भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने और सजा दिलाने में देश भर में अव्वल है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार पिछले चार साल में तीन आईपीएस अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। उधर विधायक आहूजा ने अलवर एसपी पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री ने आहूजा के सवाल पर सदन को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले चार सालों में पुलिस विभाग के कुल 200 अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज 275 मामलों में से 155 में चालान पेश किया जा चुका है, जबकि 114 मामले जांच की विभिन्न प्रक्रिया में लंबित हैं। उन्होंने सदन को बताया कि 275 मामलों में से 171 मामलों में गिरफ्तारियां भी की गई। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सदन को बताया कि अब तक 47 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दिलाई जा चुकी है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त सिर्फ 18 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सजा दिलाई गई। लेकिन इस बीच गृह मंत्री के जवाब देने के दौरान भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया।
इस दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा विधायक खुद ही बता रहे हैं कि किस तरह प्रदेश में पुलिस बेलगाम हो गई है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसी बीच गृह मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सदन में किसी के खिलाफ आरोप लगा देने से वह किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को किसी के खिलाफ शिकायत है तो पहले उसके खिलाफ कोई शिकायत करे और जांच और तथ्यों के आधार पर ही गृह विभाग किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करेगा। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2018 का आगाज हो चुका है। यह भारत का 14वां ऑटो एक्सपो है जिसमें करीब 28 बड़ी कंपनियां अपने कार के मॉडल्स को लॉन्च कर रही हैं। टाटा कंपनी ने भी इस एक्सपो में अपनी नई एसयूवी को पेश किया है। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी मौजूद रहे। टाटा मोटर्स ने हाल ही SUH5X का टीजर जारी किया था। इसके अलावा कमर्शियल सेगमेंट में कंपनी ने कॉम्पैक्ट ट्रक टाटा इंट्रा को पेश किया है। इस साल ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स की थीम स्मार्ट मोबिलिटी और स्मार्ट सिटीज रहेंगी। उधर ऑटो एक्सपो में TVS मोटर कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट से पर्दा हटा दिया है। ऑटो एक्सपो के दौरान TVS की क्रूजर बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफी प्रतिक्रिया मिली। कंपनी के मुताबिक TVS का क्रियान इलेक्ट्रिक स्कूटर वातावरण के लिहाज से काफी बेहतर है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट SUV विटारा ब्रेजा की कामयाबी के बाद अब मारुति सुजुकी ने इस सेगमेंट में अपनी फ्यूचर एस कॉम्पैक्ट SUV को ऑटो एक्सपो में पेश कर दिया है। वहीं होंडा ने नई अमेज CRV और सिविक का फेस लिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस एक्सपो के दौरान कुछ स्मार्ट स्कूटर भी लॉन्च किए गए हैं। वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी ऑटो एक्सपो में अपनी नए फेसलिफ्ट एलिटाई 20 को लॉन्च किया है। इस ऑटो एक्सपो से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी टू व्हीलर मार्केट में अपनी एंट्री कर ली है। प्रमुख टू व्हीलर निर्माता कंपनी यामा ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बाइक यामा R15 को लॉन्च किया है। इस बाइक की कीमत 1.25 लाख रुपए से शुरू होती है। एक्सपो में सामने आए स्कूटर एपेरिलिया SR125 में 125 सीसी का इंजन और 3-वॉल्व इंजन लगा हुआ है। वहीं 14 इंच के टायर हैं जो राइडर को सड़क पर बेहतर ग्रिप देंगे। इसके एक्स शोरूम कीमत 65,310 रुपए है। गौरतलब है कि यह एक्सपो ग्रेटर नोएडा में 14 फरवरी तक चलेगा। कुल मिलाकर इस एक्सपो में पेश नामी कंपनियों के वाहन दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली कोर्ट परिसर से शुरू होकर होटल स्वरूप विलास में समाप्त हुई, जहां बच्चों को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश जलथोरिया ने बताया कि रैली के माध्यम से लोगों में बालिका संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई गई है। वहीं आगामी 10 फरवरी को लोक अदालत आयोजन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से माननीय राष्ट्रीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार आज एक रैली निकाली गई है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगों के प्रति जागरूकता फैलाते हुए, साथ जो आगामी 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत है उसके संदर्भ में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली गई है। लोगों के बीच बेटी को पढ़ाने और बेटियों को बचाने के लिए जागरूकता फैलानी, इसके संदर्भ में हम शहर के अंदर लोग के मनोभाव को बदलने के लिए एक रैली निकालते हैं। ये आज अभी चौका विलास तक जाएगी, तो वहाँ जाकर एक शिविर के रूप में बच्चों को कानून की जानकारी देंगे। टीवी शो सूर्यपुत्र करण और सरस्वती चंद्र फेम एक्टर गौतम रोडे अपनी गर्लफ्रेंड पंखुड़ी अवस्थी के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। राजस्थान के अलवर जिले स्थित तिजारा फोर्ट में परिजनों और दोस्तों के बीच हुई इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है। इस खास मौके पर गौतम ने शेरवानी और पंखुड़ी ने लाल रंग का लहंगा पहन रखा था।
शादी के कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं जिसमें गौतम अपनी बारात में डांस करते हुए दिख रहे हैं। उल्लेखनीय कि गौतम ने कुछ वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे पिछले साल रिलीज हुई फिल्म अक्सर 2 में भी नजर आए थे। इसके अलावा कई टीवी धारावाहिकों में भी वे धाक जमा चुके हैं। लोकसभा में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हल्ला बोला और सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का आक्रामक जवाब दिया। उन्होंने जहां कांग्रेस पर भारत मां के टुकड़े करने के आरोप लगाए तो वहीं यह भी जता दिया कि इतने सालों तक देश पर शासन करने वाली पार्टी आज क्यों विपक्ष में बैठने को मजबूर है। पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। हालांकि उनके पूरे भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण किसी पार्टी का नहीं होता और उसका सम्मान होना चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत की गई थी। इस मौके पर उन्होंने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश के टुकड़े करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने भारत मां के टुकड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण जल्दबाजी में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विभाजित कर दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम नए राज्यों के निर्माण की बात करते हैं तो हमें उन तौर तरीकों को भी याद करना चाहिए जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी नेता पूरे समय भाषणबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी बंद करो के नारे लगाते रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि आपके मुंह पर लोकतंत्र शोभा नहीं देता, इसलिए कृपा करके आप हमें लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने अपनी सारी ऊर्जा एक परिवार की सेवा में लगा दी और देश के हित को एक परिवार के हित के लिए नजरअंदाज कर दिया। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐसी बैंकिंग नीति बनाई जिसमें बैंकों पर दबाव डाले गए और चहेतों को लोन मिलता गया।
जो बाद में कभी वापस नहीं मिला। पीएम मोदी ने कहा कि हिट एंड रन की राजनीति चल रही है। उनका कहना था कि कीचड़ उछालो और भागो, मगर आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। कुल मिलाकर काफी अरसे बाद मोदी अपने उस तेवर में नजर आए जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उपचुनाव में हालिया असफलता के बाद मायूस भाजपाइयों में भी इस भाषण से ऊर्जा का संचार जरूर होगा। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने बुधवार तड़के अपने फाल्कन हैवी रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग कर दी है। कंपनी का दावा है कि यह अभी इस्तेमाल हो रहे सबसे पावरफुल रॉकेट डेल्टा 4 हैवी से 2 गुना वजन ले जा सकता है। फाल्कन हैवी से आने वाले वक्त में लोगों को चांद और मंगल पर भेजा जा सकता है। फिलहाल इसमें फ्यूचर का स्पेस सूट पहने एक पुतला और कंपनी के मालिक एलन मस्क की चेरी रेड कलर टेस्ला कार भेजी गई है। लॉन्चिंग के 3 मिनट के अंदर रॉकेट के 2 तरह के बूस्टर उसमें अलग हो गए। कैलिफोर्निया के हावथोर्न हेडक्वार्टर से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट देखा गया। इस खास नजारे को देखने के लिए स्पेस सेंटर से करीब 8 किलोमीटर दूर कोकोआ बीच के पास कैंप ग्राउंड भी तैयार किया गया था, जहां 2000 से ज्यादा लोगों ने इसे देखा। इससे पहले सैटर्न 5 रॉकेट खासा पावरफुल था, लेकिन वह अब इस्तेमाल नहीं होता। उसमें 140 टन वजन ले जाने की ताकत थी। नासा ने इसी से चांद पर खोज के लिए कई मिशन भेजे थे। स्काई लैब भी इसी से लॉन्च की गई थी। दरअसल स्पेस में किसी सैटेलाइट को भेजने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी प्रोग्राम की लागत का बड़ा हिस्सा रॉकेट पर ही खर्च होता है। स्पेस एक्स लंबे वक्त से ऐसे रॉकेट का प्रयोग कर रही थी जिसे एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सके। अब यह प्रयोग सफल हो चुका है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की फिल्म परी का टीजर बुधवार को रिलीज हो गया। सामने आए टीजर में अनुष्का बेहद डरावनी नजर आ रही हैं। इस टीजर में कहीं अनुष्का नॉर्मल टीवी देखती हुई नजर आती हैं, तो कहीं वे एक हाथ से फिल्म के एक्टर का गला दबाकर उसे ऊपर उठाती हुई नजर आ रही हैं। अचानक उनके चेहरे पर कट के निशान दिखने लगते हैं और वो खुद का डरावना चेहरा देखकर चिल्लाती और भागती हुई नजर आती है। अनुष्का ने फिल्म का टीजर ट्विटर पर शेयर किया है। फिल्म का न्यू टीजर इसके पिछले टीजर से ज्यादा डरावना है। टीजर को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म में हॉरर और थ्रिल जमकर देखने को मिलेगा। इस फिल्म का निर्देशन प्रोसित राय ने किया है। फिल्म में अनुष्का के साथ परम बत्रा चटर्जी, रजत कपूर और रीता बिहारी चक्रवर्ती लीड रोल में है और यह फिल्म 2 मार्च को रिलीज होगी। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मोदी की पत्नी जसोदा बेन एक्सीडेंट में हुई घायल, एक रिश्तेदार ने गंवाई जान, ट्रक से भिड़ी इनोवा। दोस्तों कर्मचारियों पर एसीबी ने कसा शिकंजा, आहूजा के सवाल पर कटारिया ने दिया ब्यौरा, वहीं एसपी के रवैये पर भी उठाए सवाल। ऑटो एक्सपो में सामने आई गाड़ियों की चकाचौंध, नए मॉडलों ने लुभाया, स्मार्ट स्कूटर्स भी हुए लॉन्च। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।